दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे के बारे में, हमारे महासागर और उनमें रहने वाले अनमोल जीवों के बारे में। चलिए एक दिमाग हिला देने वाली बात से शुरू करते हैं। हमारा ग्रह 70% से ज्यादा पानी से ढका है। ये पानी लाखों जीवों का घर है, जिनमें से कई तो हमने अभी तक खोजे भी नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी हरकतें इन पानी के संसार को बर्बादी के कगार पर धकेल रही हैं। सबसे पहले ओवरफिशिंग। सोचिए, आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन मेन्यू खाली है क्योंकि मछली है ही नहीं। पागलपन है ना? ओवरफिशिंग इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि मछलियों की आबादी अब संभल नहीं पा रही। हम सचमुच में समुद्र से ज्यादा मछलियां निकाल रहे हैं जितनी वो खुद पैदा कर सकता है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो कुछ मछलियां हमारी जिंदगी में ही हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। अगला, प्रदूषण। ये सिर्फ प्लास्टिक स्ट्रॉ की बात नहीं है जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, जबकि वो भी समस्या है। असली मुद्दा है प्लास्टिक कचरे के पहाड़ और जहरीले रसायन जो हमारे समुद्रों में भर रहे हैं। कभी उन दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी हैं जिनमें कछुए प्लास्टिक में फंसे हैं या मछलियां जिनके पेट कचरे से भरे हैं। यही कड़वी सच्चाई है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। बढ़ती गर्मी सिर्फ हमें पसीने से नहीं तर कर रही, ये हमारे महासागरों को भी गर्म कर रही है। गर्म पानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ रहा है, जिससे प्रवाल भित्तियां रंगहीन होकर मर रही हैं। और जब प्रवाल भित्तियां पीड़ित होती हैं तो उन पर निर्भर अनगिनत जीव भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन सब कुछ निराशाजनक नहीं है, हम मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, टिकाऊ सी फूड को समर्थन देना और जागरूकता फैलाना जैसे आसान कदम बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के बदलावों के बारे में है जो मिलकर बड़ा असर डालते हैं। याद रखिए, हमारे महासागर लचीले हैं, मौका मिलने पर वो वापस उभर सकते हैं। लेकिन हमें काम करना होगा अभी, मछलियों के लिए, कछुओं के लिए, प्रवाल भित्तियों के लिए और अंत में खुद अपने लिए। तो अगली बार जब आप समुद्र के पास हों या सीफूड का आनंद ले रहे हों, उन छोटे कदमों के बारे में सोचिए जो आप हमारे पानी के दोस्तों की रक्षा के लिए उठा सकते हैं। चलिए, बहुत देर होने का इंतजार न करें। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर बात फैलाते हैं और फर्क लाते हैं।